तो मैं कह रहा हूं कि एक्चुअल में इंटरफेस की मैं बात कर रहा था। इंटरफेस एक्चुअली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो प्रीवियसली माना जाता था, जब देखा गया कि जो सेल है काफी इस समय तो डिवाइड कर ही नहीं रहा, तो पहले उसको माना जाता था कि नहीं ये तो एक रेस्टिंग फेज है जिसमें सेल रेस्ट कर रहा होता है, यानी कि डिवाइड नहीं करता है उस समय। और जब एम फेज या डिविजन फेज स्टार्ट होता है तो वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, और एम फेज के एंड तक वो डिवाइड कंप्लीटली दो सेल में हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रीवियस थॉट था। लेकिन जब देखा गया मेटाबॉलिकली, जब टेस्ट किया गया इस चीज को, तो देखा गया कि सेल तो सबसे ज्यादा एक्टिव इसी फेज में होता है, क्योंकि इस फेज में उसको बहुत सारे काम करने हैं। इस फेज में उसको वो सब चीजों को मैन्युफैक्चर करना है जिसका यूज वो किस चीज में करता है, सेल डिवीजन में करता है, अपने क्रोमोजोम को डुप्लीकेट करने का काम है। तो सेल एक्चुअली में मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव होता है इंटरफेज में ही। ठीक है, इंटरफेज में सेल क्या है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और सेल इस समय क्या करता है, अपने साइज में ग्रो करता है, साथ ही साथ अपने हम कह रहे हैं वो सारे सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करता है या मैन्युफैक्चर करता है, या सिंपल हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि सेल डिवीजन के लिए वो अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। अगर मैं इंटरफेज की बात करूं तो सेल साइकिल का 95% टाइम जो होता है कोई भी सेल इंटरफेज में ही गुजारता है। ठीक है, लास्ट का 5% जो टाइम है वो क्या है, वो एम फेज या डिवीजन फेज में होता है। तो अगर मैं बात करूं तो मोर देन 95% जो है ड्यूरेशन सेल साइकिल का वो इंटरफेज में ही होता है। इंटरफेज के दौरान क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म सेल का क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज या फंक्शन हो रहे होते हैं। अब हमें पढ़ना है कि एक्चुअली एक दो साइंटिस्ट थे, हॉवर्ड एंड पेक नाम था उनका, उन्होंने इंटरफेज को रेस्टिंग फेज, हाँ बिल्कुल रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब देखा गया बाद में, देखो रेस्टिंग फेज पहले इसको कहा जाता था, ठीक है, लेकिन बाद में जब देखा गया कि सेल तो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली इसी फेज में एक्टिव है, तो अब इसे हम रेस्टिंग फेज नहीं कहते। रेस्टिंग फेज के बारे में हम लोग क्वेश्चन स्टेज पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे G0 के बारे में। ठीक है, तो लेकिन आप समझो कि यहाँ इंटरफेस सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो दो साइंटिस्ट हैं हॉवर्ड एंड पेक नाम के, इन्होंने सेल साइकिल के इंटरफेज को तीन स्टेजेस सब स्टेजेस में डिवाइड किया। मतलब इंटरफेज भी तीन तरह का है, कौन कौन सा है, तो तीन फेज था। मेन फेज वो मानते हैं इंटरफेज को, सिंथेसिस फेज होता है, मतलब सिंथेसिस कहने का मतलब है डीएनए का डुप्लीकेशन होना, डीएनए बनाना, ये मेन फेज मानते हैं, वो मानते थे, हॉवर्ड एंड पेक नाम था उनका, हॉवर्ड एंड पेक, इनका मानना था, ठीक है, इनका मानना था कि जो मेन इवेंट होता है दैट इज सेल डिवाइड क्यों कर पा रहा है, तो उसका कंटेंट, डीएनए का कंटेंट डबल होता है तभी सेल डिवाइड कर सकता है, नहीं तो एक समय आता है डिवाइड करते करते कंटेंट जीरो हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली ये सिंथेसिस फेज जो है यही मेन काम है, तो इस फेज को वो एस फेज कहा, इसको एस फेज कहा जाता है। अब इसी फेज को बेसिस मानते हुए इंटरफेज को दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, एक इस सिंथेसिस से पहले वाला जिसे हम प्री सिंथेसिस फेज कहते हैं, फेज, या इसी को फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं, इसे हम फर्स्ट गैप फेज कहते हैं, या इसी को जीवन फेज कहते हैं, इसे हम फर्स्ट गैप फेज कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, जीवन फेज कहते हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया, ध्यान से देखना, दूसरा क्या हो गया, इस सिंथेसिस के बाद का, यानी कि हम बात कर रहे हैं पोस्ट सिंथेसिस फेज, पोस्ट सिंथेसिस फेज। तो अगर मैं बात करूं पोस्ट सिंथेसिस फेज की, तो इसको सेकेंड गैप फेज या इसी को G2 फेज भी कहते हैं। तो मेन इवेंट को माना किससे, हॉवर्ड एंड पेक ने सिंथेसिस ऑफ डीएनए को, और इसी बेसिस पे इंटरफेज को वो तीन सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिए। पहला क्या हो गया, सिंथेसिस से पहले वाला जिसे हम प्री सिंथेसिस फेज कह रहे हैं, या फर्स्ट गैप फेज, या जीवन फेज कहते हैं, सिंथेसिस फेज को हम एस फेज कहते हैं, एंड तीसरा क्या हो गया, पोस्ट सिंथेसिस फेज, या इसी को हम क्या कहते हैं, G2 फेज कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अभी इंटरफेज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एम फेज या डिवीजन के फेज के बारे में, जिसमें चार सब स्टेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रो फेज, मेटा फेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, एनिमल में कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है। यहां पे देखो तो इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब स्टेजेस,
G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब एक एक करके हमको देखना है कि तीनों सब स्टेजेस में हो क्या रहा है। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं G1 फेज। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं जहां तक अभी तक जो मैंने बताया है, मैंने बताया क्या क्या चीजें। तो आप देखो, मैंने सिंपल सा चीज बताया, सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन है कि बताया किसने था, दो चीज, एक स्ट्रासबर्गर का नाम आया कि पहले से न्यूक्लियाई रहेगा तभी दूसरा न्यूक्लियाई आएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या हुआ, सेल डिवीजन के बारे में बताया था रुडोल्फ फर्चाउ ने। रुडोल्फ फर्चाउ ने क्या बताया था कि आप देखोगे, रुडोल्फ फर्चाउ ने यही बताया था कि सेल लिनियस थ्योरी को दिया था उन्होंने। फिर हम लोगों ने ये देखा कि कॉज क्या है सेल डिवीजन का, भाई कॉज क्यों हो रहा है, सॉरी। फिर हम लोगों ने देखा टाइप्स, देखा जी नॉट फेज भी होता है, बिल्कुल वही जी नॉट फेज या जी जीरो फेज से हम लोग कहते हैं। मैं बताऊंगा, जीवन फेज से सेल एग्जिट कर जाते हैं, सेल साइकिल को बाहर निकल जाते हैं और डिवीजन में नहीं जाते, जिसे हम सेल जी नॉट फेज कहते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, उसे क्विसेंट फेज भी कहते हैं। तो अभी तक क्या क्या चीजें हो गई हमारी, सेल साइकिल हो गई, सेल डिवीजन तीन तरह का, माइटोसिस, मियोसिस एंड एमाइटोसिस। कॉजेस हम लोगों ने दो देखा, कर्नप्लास थ्योरी जो हर्टविग ने दिया था एंड सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा सेल साइकिल किसे कहते हैं, तो सेल डिवीजन तो एक पार्ट है, सेल साइकिल पूरे एक सीक्वेंशियल चेंजेस को कहते हैं जो सेल के अंदर होता है, सेल बड़ा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डॉटर सेल में बढ़ जा रहा है, इस चीज को टोटल हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल में दो फेजेस के बारे में हम लोगों ने देखा, एक इंटरफेज जिसमें मैक्सिमम, इसको पहले रेस्टिंग फेज बोला जाता था लेकिन आज के डेट में मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव यही फेज होता है हमारा। ठीक है, जिस टोटल सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है उसमें मोस्टली सेल इंटरफेज में ही होता है और कुछ ही टाइम, यानी कि लगभग लेस देन 5% जो ड्यूरेशन है वो एम फेज यानी डिवीजन फेज में सेल बिताता है और मैक्सिमम पार्ट इंटरफेज में। हॉवर्ड एंड टेक ने इंटरफेज को डीएनए सिंथेसिस के आधार पे तीन सब स्टेजेस में क्लासिफाई कर दिया था, जी1 फेज, एस फेज एंड जी2 फेज। अब हम लोग पढ़ेंगे जी1 फेज के बारे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग जी1 फेज के बारे में। यहां तक क्लियर है सारे लोगों को, कोई दिक्कत बोलिएगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीवन फेज को, या इसे हम प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं, या इसी को फर्स्ट गैप फेज या जीवन फेज भी कहते हैं। जीवन फेज को हम प्री डीएनए सिंथेसिस फेज या फर्स्ट गैप फेज या जीवन फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जीवन फेज एक्चुअली इंटरवल है किस चीज में, तो ये एक्चुअली इंटरवल है आपके एम फेज के अंदर और एम फेज और सिंथेसिस ऑफ डीएनए के अंदर, मतलब फर्स्ट गैप फेज हम बात कर रहे हैं, मतलब एम फेज सेल डिवाइड किया, फिर नेक्स्ट डीएनए सिंथेसिस जो होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, इसके बीच का ही गैप है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, जीवन फेज या फर्स्ट गैप फेज कहते हैं। नेक्स्ट कब होगा गैप, डीएनए सिंथेसिस एंड एम फेज के बाद सेकंड गैप आएगा, इसीलिए इसको G2 फेज कहते हैं, जो कि सेकंड गैप आ रहा है। तो एम फेज और डीएनए सिंथेसिस के बीच का ही इंटरवल होता है जिसमें सेल क्या है, कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। ठीक है, इस फेज में क्या है, सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड ग्रोस कंटिन्यूअसली लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है। इस दौरान जीवन फेज के ही दौरान क्या होता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर वो भी ग्रो करते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो भी क्या होते हैं, ग्रो इन दिस फेज। सेल ऑर्गेनेल ग्रो इन दिस फेज, सेल ऑर्गेनेल क्या है, ग्रो करते हैं और बहुत तरह के डिफरेंट तरह के क्या है, आरएनए का और साथ ही साथ प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं।
ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस ये करते हैं, और इसके कारण जैसे जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा साथ ही साथ क्या होगा, नया साइटोप्लाज्म या नया हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं वो क्या होगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समझो कि जैसे जैसे सिंथेसिस आपका होगा प्रोटीन का, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन इस फेज में क्या है, बन रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या होगा, सिंथेसिस होने लगेगा प्रोटोप्लाज्म का, सेल क्या है सबसे क्या होगा, बढ़ने लगेगा साइज में क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। नेक्स्ट, अगर मैं तीनों इंटरफेज की बात करूं तो जीवन फेज जो है वो तीनों में सबसे ज्यादा जीवन फेज में ही क्या होता है, सेल ग्रो करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजेस सेल ग्रोज मैक्सिमम इन जीवन फेज। जीवन फेज में क्या है, सेल ग्रो कर गया मैक्सिमम। ठीक है, अब बात आ रहा है एस फेज या डीएनए सिंथेसिस फेज की। ठीक है, तो डीएनए सिंथेसिस फेज की मैं बात कर रहा हूं, समझ लें इस चीज को। ये फर्स्ट फेज हमारा, फर्स्ट गैप फेज हो गया। नेक्स्ट फेज हमें पढ़ना है एस फेज, या इसे डीएनए सिंथेसिस फेज या सिंथेसिस फेज शॉर्ट में हम कहते हैं। ये सेकंड सब स्टेज हो गया हमारा। यहां तक क्लियर है, जीवन स्टेज। देखिए, अगर मैं एस फेज की बात करूं तो क्या असल में हो रहा होगा एस फेज, समझना इस चीज को। क्रोमेटिन हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये न्यूक्लियोसोम हो गया, इस पे बाइंडिंग डीएनए हो गया, ऐसे क्रोमेटिन होंगे। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछता है कि क्रोमोसोम तो 46 होते हैं, क्रोमेटिन कितना होते हैं, कोई अगर पूछेगा क्रोमोसोम तो 46 होते हैं, क्रोमेटिन कितना प्रेजेंट होते हैं, तो बताएगा बताइए शिवानी, क्रोमेटीन कितने प्रेजेंट होते हैं, वैष्णवी दो क्रोमेटीन प्रेजेंट होते हैं, नहीं नहीं हेट्रोक्रोमेटीन और यूक्रोमेटीन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो टाइप हो गया, नंबर में पूछ रहे हैं। अगर ध्यान से समझना, अगर समझ में आ रहा होगा तो ये चीज समझो, यही कंडेंस करके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, इतना क्लियर है, यही कंडेंस करके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं ना, तो कितने क्रोमोसोम बन रहे हैं, 46 बन रहे हैं। तो ऐसा ऐसा अगर थ्रेड होगा तो ये टैंगल थ्रेड कितना होना चाहिए, ऐसा ऐसा टैंगल थ्रेड भी 46 होना चाहिए, तभी तो वो कंडेंस करेगा, तो 46 क्रोमोसोम में कंडेंस करेगा। इतना समझ में आया, नहीं आया, अरे वो कंडेंस करेगा तो 46 क्रोमोसोम बना रहा है, तो कंडेंसेशन कितने का हो रहा है, 46 पहले से क्रोमेटिन हो गया। हाँ, वो दिखते 46 के रूप में नहीं है, क्योंकि वो क्या होते हैं, काफी टैंगल्ड होते हैं, एकदम गुच्छा के रूप में प्रेजेंट होंगे, तो कंडेंसेशन होगा क्रोमेटिन का, और वो क्या बना रहा है, क्रोमोसोम्स बना रहा है। अब इस समझना, एस फेज में एक्चुअली में होता क्या है, ये सिंथेसिस होगा हिस्टोन का, साथ ही साथ डीएनए डुप्लीकेट करता है, डीएनए डुप्लीकेशन 12 में पढ़ना है हमको, डीएनए का क्या होता है, थ्रेड खुल जाता है और ये अलग लैडर का सिंथेसिस होता चला जाता है, दो डीएनए बन जा रहा है। ठीक है, ये डीएनए जो है ये ऐसा ऐसा दूसरा डीएनए बन जा रहा है, तो एक्चुअली में जो अमाउंट है डीएनए का वो डबल हो जाता है इसके अंदर, इसीलिए मेटाफेज में हमको दो क्रोमेटिन नजर आ रहा है, समझ रहे हैं इस चीज को, वो सेपरेट हो जाता है। इसीलिए देखो एनाफेज में क्या है, एक क्रोमेटिन इसमें गया तो क्रोमोसोम तो 46 एक सेल में चला ही गया, दूसरा सेल में 46 गया, क्रोमेटिन सेपरेट हो रहा है, क्रोमेटिन एक्चुअल में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिन, जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है वही सिस्टर क्रोमेटिड होता है, समझना है इसको, जो क्रोमेटिन दो दिख रहा है एक्चुअल में क्या है, वीडियो रुक रुक के चल रहा है,
यस सर। क्या वीडियो रुक के चल रहा है सारे लोगों का? एक मिनट रुकिएगा। क्या आप क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? क्या अभी भी वीडियो रुक रुक के चल रहा है? वीडियो रुक रहा बताइए रामा जी, वीडियो रुक रहा है? ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि एस फेज में हो क्या रहा है। एस फेज में समझना है इस चीज को कि क्रोमेटीन प्रेजेंट था, ठीक है, क्रोमेटीन लेकिन टैंगल थ्रेड के रूप में था, कंडेंस हुआ क्रोमोसोम बनाएगा। लेकिन ये क्रोमोसोम में एक्चुअली में क्या है, डीएनए प्लस क्या है आपके हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। अब डीएनए और हिस्टोन दोनों का डुप्लीकेशन हो रहा है, मतलब अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन जो नंबर है एक क्रोमोसोम में वो नंबर वही है, और वही अमाउंट जो डुप्लीकेटेड अमाउंट है वो मेटाफेज में हमको क्रोमेटिड के नंबर नजर के रूप में नजर आता है कि दुगना हो गया है। ठीक है, लेकिन इसीलिए उसको सिस्टर बोलते हैं क्योंकि एक ही जगह से दोनों का ओरिजिनेशन हुआ है, इसीलिए सिस्टर क्रोमेटिड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि वो क्रोमोसोम क्या हो रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है, या हम कह सकते हैं डीएनए का अमाउंट क्या है, डुप्लीकेट कर रहा है, अपने ही जैसा दूसरा डीएनए बना रहा है, जिसके कारण से अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। मतलब 46 का 92 नहीं हो जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है, 46 का 46 ही क्रोमोसोम रहेगा। हाँ, उसमें डीएनए का अमाउंट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ये क्लियर है? तो एस फेज में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा डुप्लीकेशन नहीं समझ में आया, फिर से मैं बता रहा हूं। ध्यान से समझना कि मान लो ये तो क्रोमेटीन था, ठीक है, ये क्रोमेटीन है हमारा, अभी सेल डिवाइड होना स्टार्ट किया है, अभी ये एम फेज में एंटर करेगा, लेकिन अभी तक ये क्या है, क्रोमेटीन के ही फॉर्म में। तो इसी फॉर्म में क्या होता है, क्रोमेटीन में एक्चुअली में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप देखना इस चीज को कि मैंने बताया था क्रोमेटीन है क्या भाई, तो क्रोमेटीन एक्चुअल में तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन किस फॉर्म में, ऑक्टामर के फॉर्म में था, याद आया, साथ ही साथ इसमें H1 भी जुड़ा हुआ था, बाइंडिंग डीएनए था, इसमें रैप कर रहा था ऐसे, कितने पार्ट में 1.75 टर्न्स मार रहा था, फिर क्या है, लिंकर डीएनए था, ये वाला लिंकर डीएनए था, और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, एक यूनिट को, ये पूरे यूनिट को हम क्या बोले थे, न्यूक्लियोसोम बोले थे। तो ये ऑक्टामर, ये दूसरा ऑक्टामर, बीच में क्या हो गया, लिंकर डीएनए हो गया आपका, ठीक है। तो यही ना कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन मतलब क्या हो रहा है, लिंकर डीएनए ट्विस्ट होता चला जा रहा है और पास आते चला जा रहा है, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ऐसे बन जा रहा है, मतलब ये ऐसे है, ऐसे है। तो यही क्या है, बीच में मैट्रिक्स आ जा रहा है, और यही क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया ऐसे। लेकिन जब सेल इंटरफेज में, तो उस समय उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटीन थ्रेड के फॉर्म में है, क्रोमेटीन थ्रेड के फॉर्म में। अब समझो इसी में डुप्लीकेशन हो जा रहा है, ऐसा जो है ये अमाउंट, यही क्या है, दो हो गया, ये ऐसा दो हो गया, ठीक है। तो कंडेंस जब करेगा तो ये एक के बजाय कितना, दो नजर आएगा ना हमको। इसीलिए देखो जो मेटाफेज में हमको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, मेटाफेज में तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में दो क्रोमेटिड देखते हैं, और एनाफेज में वही एक क्रोमेटिड एक सेल के अंदर चला जाता है, दूसरा वाला क्रोमेटिड दूसरा सेल के अंदर चला जाता है, और वो 46 क्रोमोसोम के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा, ये 46 क्रोमोसोम के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। नहीं आया समझ में अभी भी, किसको किसको नहीं आया, एस फेज, फिर से बोलिएगा, समझ में नहीं आया, अमजीत बताइए। शिवानी, शाश्वत, ईशांत, अभी बताइए,
नहीं आ रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सरस्वती शांत अब आया, सरस्वत को आ गया, शिवानी ईशांत को नहीं आया, ईशांत एंड अमरजीत, शिवानी आपको आया? नहीं आया, अच्छा आ गया, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ईशांत और अमरजीत समझिएगा इस चीज को, कि मैंने बताया था क्रोमेटीन प्रेजेंट है इंटरफेज में, ठीक है। क्रोमेटीन एक्चुअल में क्या है, मैंने बताया था आप क्लास फाइव में से हो ईशांत, कि एक्चुअल में ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, सिंपल समझ आप, प्रोटीन है, प्रोटीन में डीएनए है, इसी का कंडेंसेशन होता है ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में कंडेंस होने से पहले ये अपने ही जैसा एक दूसरा ऐसा बना लिया है, तो जब कंडेंस होता है तो एक नहीं नजर आता है हमको, दो क्रोमेटीन के रूप में। तो अगर मैं क्रोमेटीन की भी बात करूं तो क्रोमेटीन भी नंबर में कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है, 46 होते हैं, और ये 46 है आपस में भी जुड़े हुए हैं, ये खाली डुप्लीकेट कर गया है, समझना इस चीज को, ये ऐसे था, ये डुप्लीकेट करके ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया। अब ये जब क्रोमोसोम बनाएगा तो एक क्रोमेटिड में ये वाला पार्ट जाएगा, दूसरे क्रोमेटिड में ये वाला पार्ट जाएगा, इतना समझ में आया। और यही पॉइंट है जहां पे वो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट। अब जब डिवाइड होगा तो एक जो पार्ट है डीएनए वाला, ओरिजिनल वाला एक में चला गया, डुप्लीकेटेड वाला एक में चला गया, तो इक्वली डिवाइड नहीं हो जा रहा है डीएनए, यहां पे इक्वली डिवाइड हो जा रहा है दो सेल के अंदर, लेकिन डुप्लीकेशन के बाद भी ये नंबर कितना है उतना ही रह जाता है, मतलब सेल में अमाउंट ऑफ क्या है डीएनए भले ही क्या है बढ़ जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम ही रह गया, क्योंकि ये डिवाइड नहीं किया अभी, ये डिवाइड कब करेगा एनाफेज में, तब 46 बनाएगा, 46 एक में चला जाएगा, 46 दूसरे में चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हुआ है इसके अंदर, तो ये क्या है अभी एक है। तो भले ही एस फेज में क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ जाता है, सॉरी डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर या क्रोमेटिन का नंबर उतना ही रह जाता है जितना पहले था, खाली उसमें अमाउंट बढ़ गया है डीएनए का, वो डबल जैसा हो गया, अब बीच में से अलग होगा तब ना वो क्रोमोसोम का भी नंबर बढ़ाता, लेकिन अभी सिर्फ अमाउंट उसमें बढ़ा है, मोटा हो गया है समझो एक तरीके से, फिर डिवाइड हो जाएगा, दो में बढ़ जाएगा, दो में बटेगा तब 46 92 होगा, अभी वो 46 है, कितना भी वो मोटा हो जाए तो एक ही ना है इंडिविजुअल, ठीक है, समझ में आया। अब अमरजीत ईशांत समझ में आया, अब ईशान आ गया, अमरजीत आपको ठीक है, चलिए तो ये एस फेज हो गया हमारा, जिसे हम सिंथेसिस फेज कह रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लिखने की बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स इसमें आएंगे, या क्या किन चीजों को हम ज्यादा मेंशन करें जो क्लियरली हमको ये चीज दिख जाए। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, साइटोप्लाज्मिक डीएनए ना कभी भी रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, किसी फेज में रेप्लिकेट करता है, हम लोग देखते हैं किसी भी फेज में वो रेप्लिकेट है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए किसमें किसमें प्रेजेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर या प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं इस समय कि सिर्फ और सिर्फ क्या है क्रोमोसोम या डीएनए के अमाउंट में ही डुप्लीकेशन होता है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए, ये अगर 2C है तो फाइनल अमाउंट जो डीएनए का होगा डुप्लीकेशन के बाद, That equals to 4C, ठीक है,
इनिशियल अमाउंट 2C है तो फाइनल अमाउंट क्या हो गया 4C हो गया, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो सेम रह जाएंगे, वो क्या होंगे वो नहीं बदलने वाले, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि रेप्लिकेशन हो रहा है न्यूक्लियर डीएनए का, और साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए कभी भी रेप्लिकेट कर जाते हैं, और साथ ही साथ अगर मैं डुप्लीकेशन की बात करूं तो डीएनए का अमाउंट तो डबल होता है लेकिन उसका नंबर उतना ही रह जाता है क्रोमोसोम का। इसी एस फेज में एक चीज है, इसी एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल होता है हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो भी क्या होता है डुप्लीकेट कर जाता है इसी समय, तो सेंट्रियोल का भी क्या होता है डुप्लीकेशन होता है इसी समय। तो एस फेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियर डीएनए का, साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए कभी भी सेल साइकिल में डुप्लीकेट कर जाते हैं लेकिन न्यूक्लियर डीएनए एस फेज में ही क्या होता है डुप्लीकेट करता है। इसी समय एनिमल सेल की मैं बात करूं तो सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाता है, अगर मैं डुप्लीकेशन की बात करूं तो अमाउंट बढ़ता है डीएनए का, उसका क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है, दैट इज 46 का 46 ही रह जाएगा, वो नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। हो गया, हाँ हिस्टोन तो बनाएगा ही ना, हिस्टोन भी डबल हो जाएगा। ये हिस्टोन का सिंथेसिस कर रहा है जिसके लिए पहले उसको एमिनो एसिड जो चाहिए होंगे वो पहले ही वो जीवन फेज में बना चुका होता है, इसमें सिर्फ हिस्टोन ऑर्गेनाइज कर रहा है कि एमिनो एसिड्स को जोड़ रहा है एक तरीके से, ठीक है। ये हमारा एस फेज हो गया। तीसरा फेज हमें पढ़ना है, थर्ड फेज, दैट इज G2 फेज, इसे हम G2 फेज कहते हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं सेकेंड गैप फेज, G2 फेज। इसे ही हम क्या कहते हैं सेकेंड गैप फेज भी कह सकते हैं। ठीक है, G2 फेज की मैं बात करूं तो इसे सेकंड गैप फेज हम कहते हैं। सेकंड गैप फेज में एक्चुअली में यही वो फेज है जो डिसाइड करता है कि सेल क्या है एम फेज में इंटर करेगा कि नहीं करेगा। ये हम लोग देखेंगे सेल साइकिल कैसे कंट्रोल होता है, कुछ पाथवे होते हैं या कुछ हम चैनल्स होते हैं जिसको बोलते हैं जो कंट्रोल करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जहां से अगर वो पास हो गया सेल साइकिल तो वो सेल डिवीजन में चला जाता है, वो डिवाइड एम फेज में चला जाता है। तो ये लास्ट चेक पॉइंट होता है जहां पे ये डिसाइड होता है कि सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज में जाएगा भी या नहीं जाएगा। तो ये इसमें फाइनल प्रिपरेशन होता है जो एम फेज के लिए जो जो प्रोटीन चाहिए होता है उनका सिंथेसिस होता है। जैसे कि मैं बताया हूं कि एना फेज में ये क्रोमेटिन सेपरेट हो जाता है और इन पे अटैच होता है क्या काइनेटोकोर्स डिस्क स्ट्रक्चर इस सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होते हैं, इनसे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में खींचते हैं, तो वो रेस्पेक्टिव पोर्स पे मूव कर जाते हैं सेपरेट होके। क्रोमेटिन क्या होता है इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, ठीक है ऐसे। तो G2 फेज में एक्चुअली में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या है, यही वो प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं
रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो फाइनल प्रिपरेशन है माइटोसिस के लिए, ठीक है, वो फाइनल प्रोटीन जो जो और रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होते हैं उनका सिंथेसिस इस फेज में होता है और G2 फेज के बाद ही क्या होता है, सेल M फेज में एंटर करता है। इस समय भी सेल ग्रोथ बढ़ता रहता है, सेल ग्रोथ है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूज रहता है, सेल अभी भी बड़ा हो रहा है, ठीक है, और इसका मतलब कंटिन्यूज, इसका मतलब अभी भी उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब और होता चला जा रहा है, और होता चला जा रहा है, जिसके कारण एक समय आएगा कि वो डिवाइड कर जाएगा। तो G2 फेज है या वो चेक पॉइंट है जहां पे फाइनल प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन के लिए। मेन सिंथेसिस इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करते हैं एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। एंड आप देखोगे ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, साथ ही साथ वो प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है जो कि सेल डिवीजन में जिनका रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब देखो इसी में एक और चीज पढ़ना है, G0 फेज, ये सेल साइकिल से एक बाहर का फेज होता है जिसे हम G0 फेज या G0 फेज कहते हैं, या इसी को क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं G0 फेज की, तो कुछ एडल्ट में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि हम कह रहे हैं कि सेल साइकिल से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो जीवन से ही बाहर हो जाते हैं। जैसे इंटरफेज में हम लोग देखा एक्चुअली में कैसा है, G1 फेज है, फिर क्या है S फेज है, फिर क्या है G2 फेज है, फिर M फेज है। M फेज में कितने फेजेस है, तो चार होते हैं, प्रोफेज पढ़ना होता है हमको, ठीक है, प्रोफेज हो गया, फिर मेटाफेज हो गया, फिर एनाफेज हो गया, फिर टेलोफेज हो गया, फिर क्या होगा, जीवन होगा। तो वो क्या होता है, जीवन से एस फेज में नहीं जाते हैं, एक इनएक्टिव स्टेज को वो एंटर कर जाते हैं जिसे हम G0 फेज कहते हैं, या इसे को हम क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। क्विसेंट का मतलब होता है एकदम शांत, ठीक है। तो इसमें सेल बहुत ही मिनिमम एक्टिविटी को शो करता है, साथ ही साथ सेल साइकिल से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है, एक इनएक्टिव स्टेज, एक डोरमेंट स्टेज में इंटर कर जाता है। और ये ऑकेजनली डिवाइड करते हैं जब इंजरी होता है या सेल डेथ होता है, ठीक है। जैसे कि कॉमनली, मोस्ट कॉमनली डिवाइड जो ह्यूमन में बॉडी में जाते हैं, दैट इज हार्ट सेल्स। हार्ट सेल्स क्या है, G0 साइकिल या G0 फेज को ही क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं, तो फर्दर डिवीजन नहीं होता है। ये एग्जिट पाथ है एक तरीके से G1 फेज से, जिसमें कि जो सेल है वो इस साइकिल से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, एक ऐसे इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जिसमें फर्दर सेल डिवीजन नहीं होता है। वर्स्ट सिनेरियो में वापस सेल डिवीजन उसमें हो सकता है कुछ केमिकल्स या कुछ सिचुएशन के वजह से, नॉर्मली उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इसी इनएक्टिव स्टेज को ही हम क्या कहते हैं, इसको सस्पेंडेड फेज भी कहेंगे, हाँ। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, G0 फेज, या इसी को क्विसेंट स्टेज कहते हैं। तो यही मेनली तीन फेजेस था, एक G0 हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है, यही तीन फेजेस हमको पढ़ना है माइटोसिस में, सॉरी इंटरफेज में। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक के नोट्स मैं भेज दूंगा, अभी आप उससे लिख लेना।